ओम साई राम व्यूअर्स, मैं सुनीता भादुरी साई की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम खोए की भी पूड़ी बनाएंगे, लेकिन हम इसे खोए को भून करके नहीं बनाएंगे, कच्चे खोए का बनाएंगे। आप इसे बनाने की ट्रिक थोड़ा ध्यान से देखें। आइए इसको देखते हैं कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा है। देखिए, बिल्कुल कलाकंद की तरह लगता है। चीनी जो मेल्ट होती है वो एकदम जूसी, और खोआ एकदम अलग से दिखता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं जिसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, वरना लास्ट में हम इसको बताएंगे कि आप इसे कैसे परफेक्ट बना सकते हैं। आज हमारे चैनल को 1 मंथ कंप्लीट हुआ, और आप लोग के सहयोग से हमारा मनोबल और बढ़ा। आप ऐसे ही हमको अप्रिसिएट करते रहिए, बहुत अच्छा लगा। 1 महीने का समय हमारे लिए और आप लोगों के लिए अलग अलग रेसिपी बनाते हुए बीत गया। आटा लिए हैं, आटे में घी डालेंगे, देसी घी 3 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आटे को हम दूध से सानेंगे, पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आटे को दूध से सानने से जो पूड़ी है वो मुलायम भी बनेगी और ख़राब नहीं होता है जल्दी। इसको अच्छे से मिक्स करके सानने के बाद थोड़ा सा देसी घी हाथ पे लेकर के इसको मसल लेंगे। इसके बाद आटे को मसल लेंगे अच्छे से। मसलने के बाद आटे को ढक करके आधे घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम खोए में चीनी मिला लेते हैं। 1 किलो खोआ है, इसमें हम 1 कटोरी चीनी मिला रहे हैं। अगर आपको और ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप और भी मीठा ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें चीनी एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे बनाते समय थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि खोआ जो है वो फ्रिज में नहीं रखा होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और चीनी जो हम इसमें खड़ा डाले हैं, ये जब हम तवे पे इसको सेकेंगे तो जब वो जूसी टाइप का होगा तो लगेगा कि अंदर कलाकंद की तरह बिल्कुल मिक्स। हमारा आटा भी सेट हो गया है। थोड़ा सा हाथ पे देसी घी लेंगे और इसे थोड़ा सा मसल लेंगे अच्छे से। मसलने के बाद इसके छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे। आटे का लोई ले लेंगे, इसे हम सूखे आटे में डिप करके इस तरह से कटोरी की तरह बनाएंगे। फिर इसमें खोए की स्टफिंग को फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद इसे इस तरह से दबाते हुए सब तरफ से आटे को ऊपर करके बंद कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा इस तरह से सब तरफ से फैला लेंगे। आटे का डो जो है वो हमारा बहुत ही सॉफ्ट लगाए हैं, क्योंकि कच्चा खोआ है, फिर नहीं तो पराठे जो बनेंगे पूड़ियाँ वो फटने लगेगा। इसको इस तरह से ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे नहीं, एकदम हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि कहीं से भी ये फट के निकले नहीं। आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा बना सकते हैं, हमारे हाथ से छोटा बनता नहीं है। तवा गर्म हो गया है, हम इसे इसमें डाल देंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम कर देंगे। जितने देर में हमारा एक पराठा पूरी सीख रही है, तब तक हम दूसरे की स्टफिंग भर के रेडी कर लेते हैं। हल्का सा सीख गया हमारा इधर से, अब हम इस पर घी डालेंगे, थोड़ा सा घी किनारों से भी डालेंगे। देसी घी में बने ये खोए के पराठे बहुत अच्छा लगता है खाने में। हम अच्छे से सीखने देंगे।
बनते हैं, देखिए कितनी अच्छी सूखती आई है। बहुत ज़्यादा इसको दबाएंगे नहीं वरना खोआ बाहर निकलने लगेगा, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से निकलने ही लगता है खोआ। ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, अच्छी तरह से हम सारे पराठों को बनाकर सेक करके तैयार कर लेंगे। हमारे पराठे सेक करके खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप इसे देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ये। और इसे बनाते समय कुछ ट्रिक्स का बहुत ध्यान रखें, खोआ में जब चीनी मिलाना है उसके बाद हमें ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है, तुरंत हमें उसके बाद सेकने के लिए जब तैयारी कर लेंगे उसके बाद ही चीनी ऐड करिए, वरना चीनी मेल्ट होने लगेगी तो आपको बनाने में दिक्कत होगी। और जो आटा है उसको गूंथते समय हम पानी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए थे, आप भी उसमें पानी का प्रयोग ना करें तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके कमेंट मुझे पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। ओम साईं राम।